हो हाउ डू यू थिंक हाई विल डू द थिंग एक्टिविटीज़ ऑफ़ योर डेली लाइफ इफ़ योर परफॉर्मेंस इज़ वेरी स्लो आपका बोलना आपका हाथ उठाना आपका वॉक करना अगर मिलियंज एंड मिलियंस टाइम्स स्लो हो जाए तो आप आई थिंक जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएंगे और अगर हम एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई चीज़ अगर बहुत धीरे हो जाएगी तो एवोल्यूशन भी आज तक नहीं हुआ होता हम भी नहीं बने होते वॉट ब्रेंक द स्पीड ये स्पीड कहाँ से आती है इन सब चीज़ों का क्रेडिट जाता है एंजाइम्स को विच स्पीड अप द रिएक्शन सो दैट्स द पार्ट ऑफ कमिंग वीडियो आने वाले कुछ वीडियोज़ में और इस वीडियो में आप इन्हीं चीज़ों के बारे में सीखेंगे एंजाइम्स क्या होते हैं कैसे काम करते हैं और उनका रेगुलेशन क्या होता है सो स्टे कनेक्टेड अंटिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड यू आर गोइंग टू वॉच मैनी मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट एनजाइम्स

एक ऐसी एंटिटी हैं एक ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं है जो रिएक्शंस को बहुत फास्ट बनाते हैं थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा फास्ट इट कैन बी ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स द नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मली अगर कोई रिएक्शन एक मिनट में एक मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर पा रही है किसी एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में तो एंजाइम की प्रेजेंस में मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी टर्न ओवर इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज़ द पेस प्रोवाइडेड बाई एंजाइम्स

सो इज़ इंट इट अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट एवरी सब्जेक्ट वेदर वेदर इट इज़ जोलॉजी और बॉटनी और एनी सब्जेक्ट विल रिक्वायर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंजाइम्स और हाँ अगर हम अपने पहले के टॉपिक से कनेक्ट करना चाहें तो बिल्कुल आपने ग्लाइकोलोसिस पढ़ा पिछले वीडियोज में फोटोसिंथिस के बारे में पढ़ा टी सी एसाइकिल के बारे में पढ़ा ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जहाँ पर बीच में एंजाइम का नाम ना आता हो एवरी रिएक्शन इज कैटलाइज इन बायलॉजिकल सिस्टम बाई एन्जाइम्स फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल बिगिन विथ जहां से हम शुरू करेंगे दैट इज वट आर एंजाइम्स एंजाइम क्या होते हैं तो मैं कहूंगा जो हैं, दे आर बायो कैटलिस्ट एम क्या होते हैं बायो कैटलिस्ट होते हैं ना टर्म बायो हैज बीन एडेड वट इज एन ऑर्डिनरी कैटलिस्ट एक ऑर्डिनरी कैटलिस्ट क्या होता है एक ऑर्डिनरी कैटलिस्ट होता है कोई ऐसी चीज़ जो रिएक्शन को स्पीड अप करती है केमिस्ट्री में आपने कभी सुना होगा कि अगर हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस होता है या कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं उनमें कुछ मेटल्स यूज की जाती हैं जो कि कैटलिस्ट की तरह काम करती हैं पैलेडियम हुआ आयरन है बेरियम सल्फेट है इस तरह के कुछ मेटल्स और कुछ सॉल्ट्स कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं जो रिएक्शंस को अप कर देते हैं जहां कैटलिस्ट एक तरफ एंजाइम्स के साथ एक कॉमन फीचर शेयर करते हैं रिएक्शंस को स्पीड अप करना रिएक्शंस में यूज्ड अप नहीं होते हैं रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते हैं ये दोनों की फीचर्स हैं एंजाइम की भी और कैटलिस्ट की भी लेकिन बायो कैटलिस्ट यानी कि बायोलॉजिकल ओरिजिन के मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास एक खास बात होती है जो नॉर्मल कैटलिस्ट में नहीं है ये इससे डिफरेंट होते हैं एंड दैट यूनिक फीचर विच मेक्स देम एंजाइम ज देयर स्पेसिफिसिटी वट डज दैट मीन इफ यू लुक एट एन ऑर्गेनिकटलिस्ट अगर आप आयरन को कैटलिस्ट की तरह यूज करेंगे बेरियम सल्फेट को यूज करेंगे पैलिडियम को यूज करेंगे तो बहुत सी रिएक्शन केमिस्ट्री में मिल जाएंगी जो कि यह प्रोसेस कैटलाइज कर सकती हूँ इसको कैटलिस्ट की तरह यूज कर सकते हो यानी कि यह कॉमन होते हैं दे आर नॉट वेरी स्पेसिफिक टूवर्ड्स अ टाइप ऑफ रिएक्शन बट एंजाइम्स के साथ ये बात यूनिक है कि अगर एक एंजाइम एक रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है मोस्ट लाइकली उसका सबस्ट्रेट वही होगा वो किसी दूसरे सबस्ट्रेट के साथ उतना आसानी से उतना एफिनिटी के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकता है इसीलिए हमें हर तरह के रिएक्शंस को कैटेलाइज करने के लिए बहुत तरह के अलग अलग तरह के एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है अब क्योंकि ये बायो कैटलिस्ट हैं ये बायो मॉलिक्यूल्स हैं तो इनका केमिकल नेचर क्या होता होगा किस चीज़ के बने होते होंगे मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स अबाउट नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ द एंजाइम्स दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन बट नॉट ऑल नाइनटीन के आसपास कुछ नई डिस्कवरीज हुई जिनमें पता चला कि आरएनए भी एक कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है और उसको नाम दिया गया राइबोज़ाइम। there are some DNA molecules, some antibodies and many other like some nanoparticles. So lot of things can also behave as enzymes. Enzyme ki tarah behave kar sakti hain aur bhi kai cheeze. Lekin fir bhi protein jo hai wo mostly enzyme ki tarah kaam karte hain. To hum keh sakte hain ki majority of enzymes are proteinaceous in nature. अब इस word के origin की अगर हम बात करें ये शब्द कहाँ से आया enzyme word कहाँ से आया तो basically enzyme का जो लिटरेरिक meaning है उससे हम समझ सकते हैं कि इट इज रिप्रेजेंटिंग टू थिंग्स एन मींस इन साइड वर्ड इज यूज फॉर ज़ाइम जो है ईस्ट के लिए यूज किया जाता है तो कोई ऐसी चीज जो ईस्ट के अंदर प्रेजेंट होती है इन ईस्ट दैट इज कॉल्ड एज एनजाइम एडवर्ड बकनर और लुइस पास्चर इन्होंने बहुत काम किया था ईस्ट के अंदर इन फर्मेंटिंग एजेंट्स के ऊपर and they finally came up with the conclusion that whatever is present inside the yeast that can be called as enzyme in, in formal words it was kohune who for the first time coined this term officially Kohne ne ye term officially coined which just hum enzyme kehte. now as i told you this एंजाइम विच इज़ फाउंड इन साइड ईस्ट फर्स्ट डिस्कवर्ड इन साइड द ईस्ट नाउ वी नो आज हम जानते हैं कि लगभग हर सेल के अंदर हर ऑर्गेनिज्म के अंदर चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो एंजाइम जरूर प्रेजेंट होते हैं तो हम क्योंकि बॉटनी का डिस्कशन कर रहे हैं कुछ प्लांट के एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे लेकिन जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इनका जो कैटालिसिस का मैकेनिज्म है इनका जो प्रोसेस है वो लगभग सेम रहता है दैट डजन चेंज वेदर इट इज़ अ प्लांट एनजाइम और एन एनिमल एनजाइम यस हाउ एवर द स्पेसिफिसिटी वुड बी डिफरेंट लाइक वन एग्जाम्पल यू सॉ फोटोसिंथेसिस में एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल आपने देखा था रूबिस्को है जो वो आर यू बी पी का यानी कि राइबिलोस फाइव फॉस्फेट का कार्बोक्सिलेशन करता है कैलविन साइकिल की पहली रिएक्शन कैटलाइज करता है दुनिया का सबसे अबंड बायोमोलिक्यूल है वो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला बायोमोलिक्यूल वो एंजाइम स्पेसिफिक है हालांकि उसकी चॉइस थोड़ी सी वेरी भी करती है ये भी आपने देखा था सीओटू के बजाय वो कई बार ओटू को साथ में सबस्ट्रेट की तरह यूज कर सकता है उसका एक सबस्ट्रेट जो है वो आर यू बी पी है तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि चाहे वो प्लांट एंजाइम हो चाहे एनिमल एंजाइम हो जो एंजाइम्स हैं उन उनके पास स्पेसिफिसिटी होती है और एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट भी हो सकते हैं जरूरी नहीं है कि एक एंजाइम का एक ही सबस्ट्रेट हो एट ए टाइम देर कैन बी टू सब्सट्रेट सो दे कैन फॉलो बाई सबस्ट्रेट काइनेटिक्स और बाई सबस्ट्रेट रिएक्शंस सो दिस इज वॉट एंजाइम इज ये होते हैं एंजाइम अब हम जानते हैं कि सब चीज़ों के अंदर एंजाइम होते हैं ये नाम कहाँ से आया एंजाइम को डिफाइन कैसे करते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्यों बाकी कैटलिस्ट यानी कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से अलग होते हैं इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की अभी हम आगे जो इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे दैट विल बी अबाउट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एन एंजाइम हाउ डू एंजाइम्स वर्क कैसे एंजाइम काम करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कितनी क्लासेस हैं एंजाइम की तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंजाइम्स कैसे काम करते हैं हमने देखा कि एंजाइम्स रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं सो हाउ डू दे स्पीड अप रिएक्शंस द आंसर टू दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द फैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज से इसका आंसर आता है दैट इज लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ये कैसे काम करते हैं दे लोअर एक्टिवेशन एनर्जी अब अगला क्वेश्चन यही ओरिजिनेट होता है कि अगर एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी भला क्या होती है सो एक्टिवेशन एनर्जी इज अ फंडामेंटल थिंग विच यू नो ड्यूरिंग एनी केमिकल कन्वर्जन कोई भी चीज अगर ए टू बी बी टू सी सी टू डी कोई भी कन्वर्ट हो रही है तो ऐसा नहीं है कि वो प्रोसेस अपने आप ही होता जाएगा ए टू बी कन्वर्जन अगर स्पॉन्टेनियस है थर्मोडाइनमिकली पॉसिबल है तब भी वो अपने आप नहीं हो रहा होता है जैसे कि यहां पर एयर है इस रूम में या जहां आप बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं वहां पर ऑक्सीजन भी है वहां पर पेपर भी है वहां पर कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं आप भी कार्बोहाइड्रेट के बने हुए हैं लेकिन हम सब लोग क्यों नहीं जल जा रहे हैं फिर ऑक्सीडाइज क्यों नहीं हो जा रहे हैं टाइम के साथ साथ ऑक्सीडेशन तो एक अपने आप होने वाला प्रोसेस है बट क्यों नहीं हो रहे हैं बिकॉज देर इज़ अ बैरियर एक बैरियर है जो उस रिएक्शन को होने से रोकता है एनर्जी बैरियर है एक रिएक्टेंट को मिनिमम एनर्जी आपको देनी पड़ेगी तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा तो वही बैरियर जो है उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो कुछ ऐसे समझा जा सकता है जैसे कि मैं कहूं कि एक रैंप के ऊपर एक बॉल रखी हुई है वो बॉल अपने आप नीचे आ सकती है रोल करके यहाँ तक पहुँच सकती है ग्रेविटी उसको नीचे खींच लेगी लेकिन अगर इसी बॉल को हम यहां रखें लेकिन रास्ते में इसके बीच में एक बैरियर लगा दें देर इज अ बैरियर सो इफ यू हैव दैट बैरियर अगर ये बैरियर रास्ते में होगा तो क्या ये बॉल नीचे आ पाएगी विल दिस बॉल कम डाउन ऑल्दो इट हैज अ टेंडेंसी टू कम डाउन बट स्टिल इट विल नॉट कम लेकिन अगर आप इस बॉल को उठाकर यहां रख देते हैं हाथ से देन इट कैन ऑटोमेटिकली कम डाउन केमिकल रिएक्शंस में भी ऐसा ही है कोई चीज़ ए जो बी में कन्वर्ट हो सकती है अपने आप उसको हमेशा एक बैरियर फेस करना पड़ता है और वो बैरियर होता है उसकी एक्टिवेटेड फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट एनी रिएक्टेंट हैज़ टू फर्स्ट गो टू इट्स ट्रांजिशन स्टेट एंड देन इट हैज कम डाउन टू द प्रोडक्ट सो दैट बैरियर दैट एनर्जी विच यू हैव टू प्रोवाइड टू अ मॉलिक्यूल टू क्रॉस दैट बैरियर इज एक्चुअली कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी इसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज क्लियर टू यू ये बात आपको क्लियर हुई कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है अब पॉइंट यह है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देंगे तो कैसे रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगी फास्ट कैसे हो जाएगी रिएक्शन इसका भी एक एग्जाम्पल है रियल लाइफ एनॉलॉगी है उससे आप समझ सकते हैं इफ यू लुक एट अग माउंटेन एंड अ स्मॉल माउंटेन एंड समबडी हैज़ टू क्रॉस दिस अगर किसी को ये माउंटेन क्रॉस करनी है सो हु टेक लेस टाइम टू क्रॉस दैट किसको कम टाइम लगेगा क्रॉस करने में ऑब्वियसली दिस पर्सन विल क्रॉस द स्मॉल माउंटेन मच क्विकर कंपेयर टू द पर्सन हुज टू क्रॉस द लार्जर माउंटेन इसको ज़्यादा टाइम लगेगा और इसको कम टाइम लगेगा दैट्स वेरी ऑब्वियस थिंग एंड ईजी टू अंडरस्टैंड तो आप ऐसा ही समझ लीजिए कि एक बैरियर है एक बड़ा बैरियर है उसको क्रॉस करने में ज़्यादा टाइम लगेगा एक छोटा बैरियर है उसको क्रॉस करने में कम टाइम लगेगा तो अगर उस बैरियर को छोटा कर दिया जाए जो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है जो हिंड्रेंस है अगर उसको कम कर दिया जाए तो कोई भी चीज़ आसानी से जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकती है एंजाइम वही करते हैं एंजाइम उस बैरियर को ही छोटा कर देते हैं ज़्यादा बैरियर ज़्यादा टाइम एंजाइम ने उस बैरियर को कम कर दिया रिएक्शन फास्ट हो गई प्रोडक्ट बनने में कम टाइम लगा लेकिन फिर आप सोच रहे होंगे तो ये बैरियर होता ही क्यों है खत्म क्यों नहीं हो जाता इसकी ज़रूरत ही क्या है एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी तो क्या होगा तो ये होगा कि कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि अगर जो भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है हमारा ऑक्सीडेशन भी स्पॉन्टेनियस है तो हम भी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे वो बैरियर ही तो है जो चीज़ों को बचा कर रखता है जो इंटरमीडिएट्स को सस्टेन करके कर रखता है उसी की वजह से तो आज सारी चीज़ें बची हुई हैं नहीं तो सब चीज़ें फिर अल्टीमेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी और अल्टीमेट प्रोडक्ट तो क्या होंगे दे विल बी आइदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए सो so, कोई भी इंटरमीडिएट कोई भी बायोकेमिकल एंटिटी बचेगी ही नहीं अगर एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी तो सो दैट वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ये एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है और अगर इसी को हम थोड़ा और एक्सपैंड करें इफ यू एक्सपैंड दिस टू द ग्रेटर डिटेल लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दैट विद हेल्प ऑफ टिपिकल बायोकेमिकल ग्राफ हम इसको और थोड़ा सा साइंटिफिक वे में समझते हैं द ग्राफ और द बैरियर विच यू रिप्रेजेंट फॉर डिपिक्टिंग एक्टिवेशन एनर्जी दैट कैन बी सिंपली ड्रॉन लाइक दिस कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है यू कैन हैव एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लेस्ड समवेयर इस एक्सेस पर एनर्जी है कौन सी एनर्जी गिप्स एनर्जी जो कि फ्री होती है काम करने के लिए और यहां पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं, रिएक्शन की प्रोग्रेस है सो इफ दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और लेट मी मेक इट लिटिल हायर इफ दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जी आर दिस इज द लेवल ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जी पी सो यू कैन नोटिस दैट एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट आर डिफरिंग ये वाली जो एनर्जी है ये कम है ये वाली एनर्जी है ज्यादा है तो आप कह सकते हैं एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन या फिर आप ये भी कह सकते हैं माइनस हमेशा कैसा होगा नेगेटिव होगा तो प्रोडक्ट की गिप्स एनर्जी और रिएक्टेंट की गिप्स एनर्जी इसका डिफरेंस जो है दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी ऑफ रिएक्शन और ये नेगेटिव होगी क्योंकि ये वैल्यू कम है ये वैल्यू ज्यादा है कम में से ज्यादा घटाएंगे आप तो नेगेटिव आंसर आएगा और थर्मोडाइनामिक्स में अगर आपने ये पढ़ा होगा या अपने केमिस्ट्री के टीचर को कंसल्ट करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि गिब्स एनर्जी नेगेटिव होने पर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं वो प्रोसेस अपने आप हो सकते हैं यानी कि ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में अपने आप बदल सकता है अगर इनका एनर्जी कंपोनेंट इस तरह से है ग्राफ पर जो दिखाया गया लेकिन फिर भी दे एक्सपीरियंस अ बैरियर इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने से पहले इस एनर्जी लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा और यह एनर्जी कहलाती है गिब्स एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इसको ट्रांजिशन स्टेट में जाना पड़ेगा सो इफ इट टू गो टू द ट्रांजिशन स्टेट द एनर्जी ग्राफ थ्रू द रिएक्शन वुड बी समथिंग लाइक दिस कुछ ऐसा होगा एंड दिस डिफरेंस ये जो डिफरेंस है रिएक्टेंट के पास जितनी एनर्जी थी आपको जितनी एनर्जी देनी पड़ी इस लेवल तक पहुंचने के लिए वो एनर्जी ही बेसिकली क्या कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है तो ये हमने ग्राफिकली भी देख लिया एक्टिवेशन को ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अब एंजाइम क्या करते हैं एंजाइम इसी एनर्जी गैप को कम कर देते हैं तो अगर हम एंजाइम का एक डायग्राम बनाए ये, ये ब्लैक कलर की लाइन जो है ये नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए है और रेड कलर की लाइन जो है एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए है तो हम ये कह सकते हैं कि एंजाइम ने क्या किया एनर्जी गैप को कम कर दिया पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा थी अब एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ही बची तो इसको हम लेटर से लिख देते हैं ई ए टू तो ये जो डिक्रीज की इसने बिना एंजाइम के जो एक्टिवेशन एनर्जी थी और एक्टिवेशन के एंजाइम uh, की प्रेजेंस में जितनी थी यानी कि ई ए वन माइनस ई ए टू इस चीज को हम क्या कहेंगे अ नेम इसको एक नाम देते हैं बाइंडिंग एनर्जी इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं और ये ऑप्टेन होती है ये अचीव होती है एंजाइम के सबस्ट्रेट के साथ इंटरैक्ट करने से तो एक एंजाइम जब एक सबस्ट्रेट के साथ इंटरैक्ट करता है जब वो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है देन दिस डिक्रीज इन एनर्जी इज अचीव्ड विच इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी इट इज बेसिकली ड्यू टू द इंट्रैक्शंस विच माइट बी हैपनिंग बिटवीन एन्जाइम एंड सबस्ट्रेट सो दिस वॉज द आइडियल कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ एन्जाइम्स वर्क कैसे एन्जाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं वी विल लुक मोर इंटू दिस हम कुछ और चीजों की बात करेंगे जैसे कि एंजाइम के अंदर मिलने वाले कंपोनेंट्स किस चीज के बने होते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और एंजाइम कितने तरह के होते हैं बट वी लुक आफ्टर ब्रेक हेलो एवरीवन थर्मोडाइनमिक्स फिजिक्स का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी कंफ्यूजन अक्सर बनी रहती हैं सिस्टम और सराउंडिंग की ये कंफ्यूजन हम दूर करने के लिए आपके सामने आ रहे हैं मैं हूं डॉक्टर सचिन कुमार और एस चांद एकेडमी पर हम आएंगे और पढ़ेंगे थर्मोडाइनमिक्स के ऐसे ही टॉपिक्स बिल्कुल आसान तरीके से सो जस्ट स्टे कनेक्टेड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम कनेक्टेड रहें और आप तक ऐसे ही टॉपिक्स लाते रहें और आप बढ़िया से पढ़ाई कर पाए वेलकम बैक टू एस चांद एकेडमी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि एंजाइम कैसे काम करते हैं और हमने डिस्कशन किया कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी थी और एंजाइम ने इतना कम कर दिया जितना उन्होंने कम किया उसको नाम देते हैं बाइंडिंग एनर्जी का और बाइंडिंग एनर्जी कैसे मिलती है एंजाइम के सबस्ट्रेट के साथ इंटरैक्ट करने से आइए आप कुछ और बातें डिस्कस करते हैं एंजाइम के बारे में तो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एंजाइम हमने देखा प्रोटीन्स के बने होते हैं लेकिन यहीं पर यह जानना भी जरूरी है एवरी एंजाइम इज नॉट कंप्लीट इन इट सेल्फ एवरी एंजाइम इज नॉट कंप्लीट इसका क्या मतलब है इसका मीनिंग यह है कि एंजाइम अपना काम करने में अकेले कैपेबल नहीं होते हैं ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं अबाउट 50 परसेंट करीब करीब 50% परसेंट आधे एंजाइम ऐसे होते हैं लिविंग वर्ल्ड में मिलने वाले जिनके पास अपने आप करने की एबिलिटी नहीं होती है। तो अगर एंजाइम अपना काम नहीं कर सकते हैं उनको क्या चाहिए दे रिक्वायर असिस्टेंस एंड दे रिक्वायर हेल्प उनको मदद की जरूरत होती है और वो मदद उन्हें कौन देता है उन एंजाइम्स को मदद देता है एक्सेसरी फैक्टर्स या को फैक्टर्स कुछ एडिशनल फैक्टर्स होते हैं जो उन एंजाइम्स को मदद देते हैं और जब को फैक्टर एक ऐसे एंजाइम को मदद देता है जो अकेले अपना काम करने में कैपेबल नहीं है एपो एंजाइम यानी कि इनकम्प्लीट एंजाइम ये इनकम्प्लीट को कहते हैं जब इसके साथ को फैक्टर कंबाइन होता है तो यह बनता है उसके बाद कंप्लीट एंजाइम या होलो एंजाइम ओके तो अब यह बात नोटवर्दी है यह ध्यान देने की बात है कि को फैक्टर्स कितने तरह के होते हैं को फैक्टर्स कौन सी चीजें होती हैं सो ब्रॉडली स्पीकिंग को फैक्टर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं दो ग्रुप्स में दो तरह के को फैक्टर्स होते हैं एक तरह के को फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं यानी कि कार्बन बेस्ड होते हैं और दूसरी तरह के जो कोफैक्टर्स होते हैं वो जनरली इनऑर्गेनिक होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे विल बी मेटल आयंस। आपने अक्सर देखा होगा कि प्रोटीन्स के साथ कहीं ना कहीं कभी कभी मेटल आयन जुड़े हुए हैं और पढ़ा भी होगा आपने आपने न्यूट्रिशन में पढ़ा होगा बचपन में भी आपको बताया गया होगा कि मिनरल्स हमारे लिए जरूरी होते हैं आपके शरीर में मिनरल्स की कमी नहीं होनी चाहिए जिंक होना चाहिए कॉपर होना चाहिए आयरन होना चाहिए चीज़े, सारी चीज़ें आपके शरीर में सफिशियंट अमाउंट में जाते रहने चाहिए ऐसा ही प्लांट के साथ भी है प्लांट को भी मिनरल्स की ज़रूरत होती है अगर आपको जानना है कि कौन से मिनरल्स की ज़रूरत होती है तो आप पीछे के किसी वीडियो में देख सकते हैं एक एक वीडियो है जिसमें न्यूट्रिएंट्स की बात की गई है प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस किया गया है तो आखिर उन प्लांट जो हैं उन न्यूट्रिएंट्स का क्या करते हैं जो मेटल के सॉल्ट्स वो कंज्यूम करते हैं जिंक हो गया पोटेशियम हो गया या और भी कुछ मेटल्स हो गई तो उन मेटल्स का वो क्या करते हैं आखिरकार मोस्ट ऑफ दीज मेटल्स दे बिकम पार्ट ऑफ एंजाइम्स ज्यादातर मेटल जो हैं वो एंजाइम का पार्ट बनते हैं एंड दे फॉर्म को फैक्टर्स बट नॉट एवरी को फैक्टर इज अ मेटल हर को फैक्टर मेटल नहीं होता है कुछ ऑर्गेनिक भी होते हैं अगर हम मेटल में ही बात करें तो आपने सुना होगा वेनेडियम की रिक्वायरमेंट होती है मोलीबिडनम की रिक्वायर्ड रिक्वायरमेंट होती है देर इज रिक्वायरमेंट ऑफ निकल नाइट्रोजनेज एंजाइम के लिए वेनेडियम मोलिबिडनम uh, की रिक्वायरमेंट है यूरियाज के लिए निकल की जरूरत है तो ऐसे कई सारे एंजाइम्स प्लांट में होते हैं जो मेटल आयन के बिना काम ही नहीं कर सकते हैं लेकिन उसके साथ साथ कुछ कोफैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं जिनमें मेटल आयन नहीं है लेकिन ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स है जैसे कि आपने नाम सुने होंगे एन ए डी एच एफ ए डी एच ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट भी हैं लेकिन साथ ही साथ ये एंजाइम के को फैक्टर्स भी हैं एंजाइम के कोसबस्टेट भी होते हैं अब यहां पर एक और टर्म आता है जो को फैक्टर है वो एंजाइम के साथ दो तरह से एसोसिएट हो सकते हैं एक तो एंजाइम के साथ वो परमानेंटली जुड़ सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए या फिर वो टेंप्रेरली जुड़ सकते हैं वीक इंट्रैक्शन से जुड़ सकते हैं तो अगर वो वीकली एसोसिएटेड हैं अगर वो वीकली एसोसिएटेड हैं तो उनको हम कोसबस्ट्रेट कहते हैं वी कॉल देम एज कोसबस्ट्रेट यानी कि वो सोल्यूशन में से हट सकते हैं सोल्यूशन में से लिए जा सकते हैं हमेशा एंजाइम के साथ नहीं रहेंगे जब जरूरत पड़ेगी तो सोल्यूशन में से यूज हो जाएंगे लेकिन कुछ जो होते हैं दे आर

तो दो टर्म आपको समझ आ गए को फैक्टर या तो को सबस्टेट की तरह हो सकते हैं या फिर को फैक्टर की तरह हो सकते हैं एक और नाम है को एन्जाइम को एन्जाइम कभी कभी हम ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स को इन जनरल कह देते हैं तो ये, आप ये कह सकते हैं कि कोन्जाइम इज़ द कॉमन नेम दैट इज गिवन टू ऑर्गेनिक अलोन ये तो बात थी एंजाइम्स में एंजाइम्स के कंपोनेंट्स की एंजाइम के साथ जो को फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं उनकी जरूरत के बारे में अब फाइनली हम बात करते हैं एंजाइम के क्लासिफिकेशन के बारे में बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो नून हैं। अगर उनको स्टडी करना है अगर उनको समझना है तो उन्हें कैसे क्लासिफाई किया जाना चाहिए सो देर आर एसोसिएशन अक्रॉस द ग्लोब 1966 में एंजाइम कमीशन क्रिएट किया गया था

Oxidoreductase, first one, second one, transferase, third one, hydrolase, then fourth one, lyase, fifth one.

फोटोसिंथेसिस में आप देखिए जो लाइट रिएक्शन के बाद एटीपी का जनरेशन हो रहा है एनएडीपीएच को यूटिलाइज करने वाले जो एंजाइम्स हैं या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे ऑक्सीडोरिडेक्टेज होते हैं उसके बाद अगर हम ट्रांसफर की बात करें ट्रांसफरेज एंजाइम की बात करें तो किस चीज़ का ट्रांसफर करते होंगे ये ये ट्रांसफर करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स का एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पर दैट इज कॉल्ड ट्रांसफरेज सो इफ़ यू सी अ मोलिक्यूल इज़ टेकिंग आप अमीनो ग्रोप एंड ट्रांसफरिंग टू अनदर इफ अ मोलिक्यूल इज टेकिंग हाइड्रोक्सी ग्रोप एंड ट्रांसफरिंग टू अनदर मॉली जैसे कि अल्फा कीटोग्लूटरेट है आप अगर प्लांट के कॉन्टेक्स में देखें तो प्लांट के कॉन्टेक्स में ही जो सी टू पाथवेज होते हैं फोटो रेस्परेशन के दौरान आपने देखा था कि किस तरह से फोटो रेस्परेशन के दौरान जो आर यू बी पी है यानी कि राइबिलोस फॉस्फेट है वो कैलवन साइकिल में नहीं जा पाते हैं कैलविन साइकिल के जाने के बजाय वो आ, दूसरे पाथवे में चला जाता है ऑक्सीडाइज हो जाता है और उस टाइम पर वहाँ ज़रूरत पड़ती है ग्लाइसिन बनाने की सेरिन बनाने की तो वहाँ पर अमीनो ट्रांसफ़र की ज़रूरत होती है एंड दोज एंजाइम्स आर कॉल्ड एज अमीनो ट्रांसफरेज सो देर आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स लाइक दिस ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ फंक्शनल ग्रुप एक मॉलिक्यूल से उठकर दूसरे पर चला जाता है वो सारी रिएक्शन कौन से एंजाइम के करते हैं ट्रांसफरेज देन कभी कभी कुछ मॉलिक्यूल्स को तोड़ने की जरूरत पड़ती है अब प्लांट में अगर स्टार्च स्टोर हो रहा है जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक लंबा पॉलीमर है ज़रूरत पड़ने पर उसको ब्रेक भी तो करना होगा उसके उसके जो ग्लूकोज यूनिट्स हैं उनको यूज़ करने के लिए तो अगर वाटर की मदद से किसी बॉन्ड को हम तोड़ते हैं लेटस से दिस इज अ मॉलिक्यूल एंड दिस इज अ बॉन्ड एंड इफ यू डिसोसिएट विद दी हेल्प ऑफ वाटर एच ओ एच दिस बॉन्ड ब्रेक्स ओ एच गोज विद वन मॉलिक्यूल एच गोज विदर मॉलिक्यूल देन दिस मैकेजम इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिस एंड दी एनजाइम्स विच आर कैटेलाइजिंग दिस वो सारे किस कैटेगरी को बिलोंग करेंगे हाइड्रोलेज को तो ये तीसरी क्लास हो जाती है इसके बाद लाइज लाइज एन्जाइम्स भी लाइसिस करते हैं एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं लेकिन बिना पानी की मदद के जैसे कि डिकार्बॉक्सीशन प्रोसेस है डीकार्बोक्सीन में सीओ टू ग्रुप पूरा टूट के अलग हो जाता है तो एक मॉलिक्यूल से एक ग्रुप अलग हो गया विच एंजाइम्स विल बी डूइंग दैट दैट विल बी डूइंग आई होप यू रिमेंबर आपको ध्यान होगा हमने बात की थी ग्लायोक्सिलेट साइकिल में जो कि टीसीए साइकिल का एक पैरल साइकिल है जिसमें कुछ स्टेप्स बाईपास होते हैं वहां पर आइसोसिट्रेट लाइज एंजाइम यूज होता है सो देर आर मोर एग्जाम्पल्स लाइक दिस इस तरह के और भी एग्जाम्पल हैं जो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं दे आर कॉल्ड लाएज देन आइसोमरेज एक ही मॉलिक्यूल की फॉर्म को बदलने वाले जो एंजाइम्स होते हैं अगर हम स्टार्च के सिंथेसिस की बात करें या शुक्रोस के सिंथेसिस की बात करें फोटोसिंथेसिस में जो कि आपने फोटोसिंथेसिस वाले वीडियो में देखा होगा तो वहाँ पर कुछ एंजाइम थे जो ये काम कर रहे थे आपको ध्यान होगा कि हमने ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट को ग्लूकोज वन फॉस्फेट में कन्वर्ट किया था जस्ट बिफोर मेकिंग शुक्रो जस्ट बिफोर मेकिंग स्टार्च तो ये दोनों तो आइसोमर्स है इन दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है इस रिएक्शन को कौन कर्टिलाइज करेगा दीज एंज विल बी कॉल्ड एस आइसोमरेजिस एंड देन कभी कभी कुछ मॉलिक्यूल को जोड़ने की भी जरूरत पड़ती है नॉट ऑलवेज एवरी रिएक्शन दैट सीम्स टू बी मेकिंग अ न्यू मॉलिक्यूल एवरी एनाबोलिक रिएक्शन दैट में नॉट बी रिप्रेजेंटिंग लाइक इस बट स्पेश न्यूक्लिक एसिड्स कभी कभी न्यूक्लिक एसिड के बीच के बॉन्ड टूट जाते हैं उनको रिसील करना पड़ता है उन्हें जोड़ना पड़ता है दो एग्जाम्पल डी एन ए लाइगे नाउ दिज विक्स ट्रीवियल क्लासेज इन एनजाइम्स एनजाइम को इन्हीं छे क्लासेज में बांटा गया था बट वॉट आई सजेस्टेड रीसेंटली देर वॉज अथ क्लास इंट्रोड्यूसड इन टू थाउजेंड एटीन दैट क्लास इज कॉल्ड एस ट्रांसलोकेज

हम आने वाले वीडियो में आगे एंजाइम की काइनेटिक्स और एंजाइम के रेगुलेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे लेट्स समराइज़ क्विकली व्हाट वी हैव लर्न हेयर क्या हमने सीखा उसको क्विकली समराइज़ करते हैं हमने एंजाइम की डेफिनेशन से स्टार्ट किया था एंजाइम बायो कैटलिस्ट होते हैं एंजाइम का नाम एंजाइम इसलिए रखा गया क्योंकि पहली बार वो ईस्ट में देखे गए जाइम का मतलब ईस्ट होता है फिर हमने एक्टिवेशन एनर्जी की बात की वो मिनिमम एनर्जी जो एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बनने से पहले ट्रांजिशन स्टेट तक लाने में रिक्वायर्ड होती है उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं और एंजाइम इसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं जिससे रिएक्शन फास्ट हो जाती है फिर हमने इसके बाद बात की थी कि एंजाइम अकेले काम नहीं कर सकते हैं काफ़ी सारे एंजाइम लाइक फिफ्टी परसेंट एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो अकेले काम नहीं कर सकते उन्हें हम इनकम्प्लीट एंजाइम या एपो एनजाइम कहते हैं उनको एक्सेसरी फैक्टर्स की ज़रूरत होती है उन फैक्टर्स को को फैक्टर कहा जाता है कोफैक्टर दो तरह के होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में जनरली मेटल आयंस होते हैं ऑर्गेनिक में कई सारे मॉलिक्यूल जैसे एन ए डी एच एफ ई डी एच वगैरह होते हैं ये दोनों ही तरह के को फैक्टर या तो टाइटली एसोसिएटेड होते हैं एंजाइम से उस केस में इन्हें प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है या फिर ये लूजली एसोसिएटेड होते हैं उस केस में इन्हें हम कोसबस्ट्रेट कहते हैं सो ऑन दिस क्राइटीरिया इसी क्राइटेरिया पर हम को फैक्टर्स को डिवाइड करते हैं और फाइनली हमने एनजाइम को सेवन डिफरेंट क्लासेज में कैटेगराइज किया और हर एक क्लास के एग्जाम्पल प्लांट के कॉन्टेक्स में और साथ ही साथ उनकी डेफिनेशन उनका मीनिंग देखा सो देट वॉज ऑल इन दिस वीडियो इस वीडियो में इतना ही आई होप यू लाइक एंड यू इन्जॉयड दिस वीडियो अगर आप इस टॉपिक के बारे में और जानना चाहते हैं यू कैन रेफर टू दिस बुक्स फ्राम एस चांद पब्लिशिंग And if you don't have hard copies of these books you can go below in the description box and find a link for ebooks. So if you are enjoying these videos if you like you can press like share and subscribe button of this channel and if you want regular updates then you can press bell icon. Thank you for watching. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.